नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साल 2019 में रिलीज होने वाली उन बड़ी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इंतजार हम पोस्टर्स और ट्रेलर देखकर साल 2018 से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली फिल्म है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, साल की शुरुआत में यानी 11 जनवरी को रिलीज हो रही है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये फिल्म 18 सितंबर 2016 की उस घटना पर बेस्ड है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला कर दिया था और जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, और इस घटना के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों इस फिल्म में मेन रोल में है विकी कौशल जो कि एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। और दोस्तों अगली फिल्म है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। जनवरी में ही रिलीज हो रही है साल 2019 की अगली बड़ी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। और दोस्तों ये फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही है कंगना रनौत, जिन्होंने दोस्तों ट्रेलर में वाकई में सभी को इम्प्रेस किया है। और दोस्तों इस फिल्म में उनके अलावा अंकिता लोखंडे, सुरेश ओबेरॉय, अतुल कुलकर्णी और डैनी डेंजोंगबा भी है और ये फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को। गली बॉय वैलेंटाइंस डे यानी 11 फरवरी को रिलीज हो रही है डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय। ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा है जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ कल्की कोएचलिन भी है और ये फिल्म रैपर्स के लाइफ पर बेस्ड है। अगली फिल्म है मेंटल है क्या। राजकुमार राव और कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या एक अडल्ट ब्लैक कॉमेडी है और एक क्राइम थ्रिलर भी। और दोस्तों साथ ही इस फिल्म में आपको नजर आएंगे जिम्मी शेरगिल भी और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 29 मार्च को। सुपर 30 एक और बायोपिक जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा है और वो है ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार के टीचर आनंद कुमार की बायोपिक है। दोस्तों सुपर 30 30 बच्चों का एक बैच है जिसे हर साल आनंद कुमार पढ़ाते हैं और हर साल सारे के सारे 30 बच्चे IIT एग्जाम में पास हो जाते हैं। तो दोस्तों अगली फिल्म है केसरी। सारागढ़ी के युद्ध पर बनी केसरी 22 मार्च को रिलीज हो रही है और दोस्तों फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा और दोस्तों इस फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगली फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल आ रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और इस बार फिल्म में एक हीरो और दो हीरोइन है। हीरो है टाइगर श्रॉफ और डेब्यू फिल्म है अनन्या पांडे की जो कि चंकी पांडे की बेटी है और दोस्तों साथ ही है तारा सुतारिया भी और ये फिल्म 10 मई को रिलीज के लिए एकदम तैयार है। और दोस्तों अगली फिल्म है भारत। भारत सलमान खान की फिल्म है। साल 2019 में सलमान इसी फिल्म से अपना खाता खोल रहे हैं और दोस्तों इस फिल्म में सलमान के अलावा कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, तब्बू और सुनील ग्रोवर जैसे स्टार्स भी हैं। और दोस्तों ये फिल्म कोरियन फिल्म ऑड टू माई फादर से इंस्पायर्ड है और अली अब्बास जफर इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। और दोस्तों ये फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है और इस फिल्म से सलमान के फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ABCD 3 ABCD सीरीज की ये तीसरी फिल्म है जिसमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं वरुण धवन और दोस्तों पहली बार वरुण की जोड़ी कैटरीना कैफ के साथ इस फिल्म के जरिए स्क्रीन पर नजर आएगी और दोस्तों ये फिल्म 3D में होगी और इसे सबसे बड़ी डांस फिल्म कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म में आपको प्रभु देवा भी नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं रेमो डिसोजा और ABCD 3 रिलीज हो रही है 8 नवंबर को। और दोस्तों लास्ट फिल्म है ब्रह्मास्त्र। इस वक्त की ऑफ स्क्रीन जोड़ी पहली बार इस फिल्म के साथ दिखेगी यानी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म ब्रह्मास्त्र में पहली बार साथ नजर आएंगे और दोस्तों उनके अलावा इस फिल्म में आपको अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और डिंपल कपाड़िया भी नजर आएंगे। और दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्टर है अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर है करण जौहर और दोस्तों ये फिल्म दिसंबर में
क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों ये है 2019 में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्में। तो दोस्तों आप किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।